किसकी है? झुनझुन वाला। कौन है ये? आप में से बहन जी में से आपको किसी को पता है ये कौन है? राकेश झुनझुन वाला कौन है? हाँ, नहीं पता है। अच्छा, आपको अमिताभ, नहीं नहीं एक मिनट, धीरू भाई अंबानी पता है कौन है? कौन है? हाँ, रिलायंस कंपनी के बड़े मालिक, बराबर है। सुषमा स्वराज पता है कौन है? मंत्री थी। अटल बिहारी वाजपेयी तो जानते हैं अच्छे से। अभी अभी राजू श्रीवास्तव को जानते हैं? कौन है वो? देखो, मैं आपको नहीं पूछता हूँ, मुझे मालूम है आपको ज्यादातर सब पता है। ये लोग अखबार ही कम पढ़ते हैं ना, अभी सीरियल ही देखते रहते हैं। हाँ, हास्य थे, बराबर है। और जो है अभी स्टेज पर कितने फिल्म स्टार चले गए, स्टेज प्रोग्राम में ही चले गए? कौन गया, नाम बताओ। स्टेज पे लाइव प्रोग्राम में चले गए के कौन है भैया? हाँ देखो, इनको मालूम है। कौन है उसका एक गाना याद करो ना, कौन सा गाना याद है? एनीवे, वो टॉपिक नहीं है। सबसे बड़ा पॉप सिंगर कौन था? माइकल जैक्सन। वो मालूम है ना? मालूम है, देखो इनको मालूम है, अच्छी बात है, किसी को तो मालूम है। ये सभी पैसे वाले थे। झुनझुन वाला के पास कितनी प्रॉपर्टी थी? हाँ, कितना पैसठ 45,000 crores। कितना? 500 रुपया भी नहीं था उसके पास। कितना पैसा बनाया? हाँ, कितना? हाउ मेनी 46,000 crores। बाकी क्या होगा हमको पता नहीं है, बराबर है। किस उम्र में गए? 62 की एज में। कैसे गए? होश में गए कि बेहोश गए? बेहोश गए, बराबर है। 46,000 crore का मालिक अस्पतालें कितनी खरीद सकता है, कितनी दवाइयां कितने डॉक्टर को खरीद सकता है, इलाज करवाया होगा कि नहीं, कैसी मौत हुई इनकी? देखो, मरना तो हर किसी को है, बात वो नहीं है। यहां एनडीएस वाले ऐसे नहीं कहते कि आप मरोगे ही नहीं, कैसे मरोगे उस पर है। स्वस्थ जीना और स्वस्थ मरना। समाधि मृत्यु किसी ने सुना है? हाँ, क्या है? जागरूक मौत। आप खुद एक्सपीरियंस हो, मैं जा रहा हूं, हेलो बाय बाय टाटा थैंक यू, सजाग अवस्था में जाते हैं। तो ऐसी मौत होनी चाहिए या बेहोशी में आई सी यू और आई विल नेवर सी यू, क्या उनसी मौत चाहिए? कौन सी मौत अच्छी है? 46,000 crore की प्रॉपर्टी थी अंबानी की, कितनी हमें नहीं पता है। एप्पल के मालिक कौन थे? स्टीव जॉब थे। उनके पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, वो भी कैंसर से पीड़ित थे और गए, बराबर है। तो एक चीज भूल जाइए या अपने दिमाग में होगा कि पैसे से हम स्वास्थ्य कमा सकते हैं, नहीं हो सकता। दवाई से हमें स्वास्थ्य मिलेगा, वो भी भूल जाइए।
कुछ क्रियाकांड से भी आप स्वस्थ हो जाएंगे तो वो भी भूल जाइए। आप बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं, किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। और जब डॉक्टर बीमार होता है तो वो किसके पास जाता है? वो किसके पास जाता है? वो साधु संत महात्मा के पास जाता है। किसके पास? इनके पास कुछ चमत्कार होगा, कोई सूत्र होगा, जड़ी बूटी होगी, कोई श्लोक दे देंगे। और जब साधु संत महात्मा बीमार होते हैं तो वो किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर साधु संत के पास जाता है और साधु संत डॉक्टर के, दोनों के पास सही इलाज नहीं है। इलाज सिर्फ प्रकृति के पास है, तो प्रकृति के पास हमें लौटना पड़ेगा, प्रकृति के नियम समझने पड़ेंगे, अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने पड़ेंगे, और फिर आपको पता चलेगा क्या चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं। समझ गए? तो एनडीएस के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये जो झुंझुनवाला है, पैसे के लिए तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत पैसे कमाया, स्वास्थ्य में सबसे गलत इन्वेस्टमेंट इसने किया। गलत इन्वेस्टमेंट क्या किया उसने? खाने पीने का कोई कंट्रोल नहीं। एक डुक्कर को देखा है? डुक्कर, डुक्कर को आप क्या पिग बोलते हैं? सुअर भी बोलते हैं। खाते ही रहता है, खाते ही रहता है, जो मिला वो खाओ, करता है कि नहीं? वैसे ही ये झुंझुनवाला था, खाते रहता है, खाते रहता है, शराब पीते रहता है, कोई कंट्रोल नहीं। तो कुदरत भी कब तक संभालेगी उसको? पैसे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुदरत आपके पैसे पे कोई रहम नहीं करती है। आपने उसके नियम पाले तो आपको डिस्टिंक्शन मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास तो मिल ही जाएगा। नियम तोड़े तो आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। क्लियर? तो खाने पीने का एक जो है, वैसे ही कुछ सोचने का भी है। तो दोनों की बात करने की कोशिश करेंगे और दोनों के पार क्या है, अगर समय मिला तो जो कुछ भी बात हो सकती है वो बताऊंगा। मेरी जितनी भी क्षमताएं हैं और जो मैं बता सकता हूँ कोशिश बताने की कोशिश करूंगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, समय के 5-10 मिनट पहले आ जाइएगा। ओके, चलो, थैंक यू, स्टार्ट।